बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरे पास ये पावर सप्लाई एक रखी हुई है 5758 की। तो आज की वीडियो बड़ी अहम वीडियो है, बहुत से लोगों ने जो है इसकी डिमांड की है, तो उन्हीं की डिमांड पे ये वीडियो बनाई जा रही है। तो अब ये हमारी इस पावर सप्लाई के बारे में वीडियो इंशाल्लाह दो तीन चलेंगी। तो आज की वीडियो पावर सप्लाई के तारुफ़ के बारे में है। ये देखें इस पावर सप्लाई में दो सेक्शन होते हैं, जब हम इसको ओपन करते हैं, ये देखें ये सप्लाई रखी हुई है, जब हम इस कवर को खोलेंगे तो हमारी सप्लाई ऐसे नज़र आएगी। तो इसमें ये देखें दो सेक्शन लगे होते हैं, एक ये छोटा बोर्ड लगा होता है, एक ये बड़ा बोर्ड लगा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि छोटे बोर्ड में का क्या काम है सप्लाई में, और बड़े बोर्ड का क्या काम है सप्लाई में। तो ये बोर्ड कहलाता है हमारा पावर बोर्ड। इस बोर्ड का काम जो है ये हीटर सेक्शन को, फ्यूज़र सेक्शन को ऑन करना है। तो ये बोर्ड अगर हमारा ख़राब भी हो जाता है तो आपकी मशीन ऑन रहती है, लेकिन आपका फ्यूज़र यूनिट जो है वो नहीं चलता। तो मशीन पे ये एरर मैसेज लिखा आता है कि फ्यूज़र फेलर और कॉपिंग एंड प्रिंटिंग अनअवेलेबल। तो मशीन ऑन होते ही इस एरर का आपको सामना करना पड़ता है, अगर इस बोर्ड की वजह से है। ये एरर कई वजूहत की बिना पर आते हैं, लेकिन इसमें एक वजह जो है इस बोर्ड की भी होती है, जो कि हमारी पावर सप्लाई के ख़राब होने की सूरत में एरर आता है। तो दूसरा हमारा ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन में जो है इसका कंट्रोल आईसी लगा होता है, जो कि तमाम प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है, किस रिले को किस टाइम पे करंट देना है, किस मोटर को किस टाइम पे करंट देना है। तो अगर ये सेक्शन हमारा ख़राब हो जाता है तो मशीन सिरे से हमारी ऑन ही नहीं होती। तो इस सेक्शन के ख़राब होने पे मशीन हमारी ऑन होती है, लेकिन हमारा फ्यूज़र यूनिट नहीं चलता। तो इसमें दो रिले लगी हुई हैं, तो आज इस पावर सप्लाई को जो है मैं ठीक करने लगा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस बोर्ड को ठीक करने का तरीका बताऊँगा। इसमें दो रिलेज लगी होती हैं, ये देखिए एक रिले ये लगी हुई है और एक रिले ये लगी हुई है। तो इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो ख़राब होती है, जिसकी वजह से ये पावर जो है वोल्टेज फ्यूज़र यूनिट को नहीं देता, और इसमें क्या चीज़ ख़राब होती है। तो ये सप्लाई जो है ये रिपेयरेबल है 5758 की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सप्लाई का तारुफ आज की वीडियो में आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।